भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच का आज तीसरा दिन था। आज इंग्लैंड की टीम ने अपनी दूसरी पारी को आगे बढ़ाते हुए दिन के अंत तक 316 रन बना लिए हैं और लीड अब 126 रनों की हो गई है। लेकिन इस दौरान भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक और कीर्तिमान अपने नाम दर्ज करा लिया है। दरअसल अश्विन ने इस मैच के दूसरी पारी में अब 2 विकेट लिए हैं, जबकि पहली पारी में उन्होंने 3 विकेट लिए थे। अब कुल मिलाकर उनके इस पूरे मैच में अब तक 5 विकेट हो चुके हैं और उन्होंने जो नया कीर्तिमान दर्ज किया है उस मामले में उन्होंने अब अनिल कुंबले को भी पीछे छोड़ दिया है। ये कीर्तिमान क्या है? दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भारत की ओर से भागवत चंद्रशेखर के पास था, जिन्होंने 95 विकेट लिए थे। उसके बाद नाम आता था अनिल कुंबले का, जिन्होंने 92 विकेट लिए थे और मैच शुरू होने से पहले अश्विन के नाम पर 88 विकेट थे। लेकिन अब रविचंद्रन अश्विन ने इस मामले में अनिल कुंबले को पीछे छोड़ दिया है। अब रविचंद्रन अश्विन के 93 विकेट हो गए हैं। अब वो भागवत चंद्रशेखर के रिकॉर्ड को तोड़ने से सिर्फ 6 विकेट दूर हैं। अगर रविचंद्रन अश्विन इस मैच के बाद दूसरे मैच में और 6 विकेट ले लेते हैं तो फिर वो भारत की ओर से इंग्लैंड और भारत की बीच खेले गए टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हो जाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड जेम्स एंडरसन के नाम है, जिन्होंने कुल 139 विकेट हासिल किए हैं। साथ ही रविचंद्रन अश्विन अब अपने 500 विकेट से मात्र 5 विकेट दूर बचे हैं। ऐसा करने वाले वो दूसरे भारतीय खिलाड़ी हो जाएंगे। इससे पहले सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में भारत की ओर से अनिल कुंबले के नाम है, जिन्होंने कुल 619 विकेट हासिल किए हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।